आज की जो वीडियो है दैट इज ऑन एग्जामिनेशन ऑफ इन द केसेस ऑफ अबॉर्शन, क्रिमिनल अबॉर्शन कर लो। चलो अब एग्जामिनेशन इन द केस ऑफ क्रिमिनल अबॉर्शन या फिर एग्जामिनेशन इन द केसेस ऑफ अबॉर्शन, उसमें हमारे पास एग्जामिनेशन हम दो चीज़ों के करते हैं। एक वन इज द एग्जामिनेशन ऑफ मदर, अनदर इज द एग्जामिनेशन ऑफ फीटस, या फिर फीटस नहीं बोलो तो फिर अबॉर्टेड मटीरियल। ठीक है, अब मदर की एग्जामिनेशन डिपेंड्स के इफ़ द मदर इज़ लिविंग तो हमें अलग चीज़ें मिलेंगी, इफ़ द मदर इज़ डेड तो हमें अलग चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, लिविंग में अगर हम आ जाएँ तो लास्ट वीडियो में मालूम है कि जो मेथड यूज़ किए गए थे फॉर क्रिमिनल अबॉर्शन, दोज आर नॉट सैनिटरी, सेप्टिक मेथड्स नहीं थे वो, एसेप्टिक मेथड्स अदर नहीं थे वो, बैक्टीरिया वगैरह से सेप्टिसीमिया करवा सकते हैं। तो सबसे पहली जो हमें साइन मिल सकती है दैट इज सेप्टिसीमिया। ठीक है, वो साइंस हमें सेप्टिसीमिया के मिल सकते हैं। उसके अलावा जो ड्रग्स दिए थे अबॉर्शन वाले, हमें उनके इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें एब्डोमिनल टीयर्स मिल सकते हैं, और हमें प्रेगनेंसी है तो बीटा एचसीजी पॉजिटिव, फिर भी अगर 7 डेज के ड्यूरेशन के अंदर अंदर है अबॉर्शन के तो हमें मिल सकता है वो पॉजिटिव इन यूरिन। ठीक है, उसके अलावा हमें यूट्रस में हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके मार्क्स मिल सकते हैं। उसके अलावा डिस्चार्ज हमें मिल सकता है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज विद इन द यूट्रस, क्योंकि डैमेज हुआ है, प्लस केमिकल्स एबॉर्टिफेसिन ड्रग्स वगैरह ऐसे भी केमिकल्स होते हैं तो उनकी फाउल स्मेल हो जाती है। यूट्रस कंजेस्टेड भी हो सकता है, क्योंकि याद है एक हमने ड्रग दिया था एमेनागॉग्स जो कंजेशन बढ़ा रहे थे यूट्रस की, जो ब्लीडिंग करा रहे थे, तो पर हमें वो कंजेस्टेड यूट्रस भी मिल सकता है। उसके अलावा पेरिनियल लेसरेशन, पेरिनियल टीयर्स, ये सारे भी हमें चीज़ें मिल सकती हैं। सिमिलरली इन डेड हमें यही चेंजेस मिलेंगे। उसके अलावा जनरल अपीयरेंस जो होगी वो पेल हो सकती है, वेदर साइनोसिस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कॉज ऑफ डेथ वगैरह। उस एब्डोमिन की हमें अपीयरेंस अगर हम फिर से देखें तो वही टीयर्स वगैरह मिल सकते हैं, हमें मार्क्स मिल सकते हैं इंजरी के। यूट्रस का देखें वही तो कंजेशन, मार्क्स और इंस्ट्रूमेंट यूज। सही है, ये सारी चीज़ें, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज। एंड देन पेरिनियम का वही लेसरेशंस, ये सारी चीज़ें हमें डेड में भी मिलेंगी। ठीक है, तो दीज वर दी इन दी क्रिमिनल अबॉर्शन मदर के हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी। अब अबॉर्टेड मटेरियल के बारे में आते हैं कि उसमें हमें क्या फाइंडिंग मिल सकते हैं। अबॉर्टेड मटेरियल को हम लोग जो करते हैं उसको एग्जामिन करते हैं तो हमें बेसिकली एक ही चीज़ फाइंड करनी होती है, दैट इज़ द एज ऑफ अबॉर्टेड मटेरियल। क्योंकि एज ऑफ अबॉर्टेड मटेरियल जानना इसलिए ज़रूरी, क्योंकि हमारे पास फिर से लीगल जो सज़ा लगेगी वो अलग हो जाती है। क्योंकि लीगली पाकिस्तान में देयर्स टू टर्म्स, इसका आते हैं हमल एंड इसका आते हैं जानिन। अगर ऑर्गन फॉर्म नहीं हुए और अबॉर्शन हुई है, दैट मीन्स कि उसकी सर्टेन एज होगी, उससे पहले अबॉर्शन हुई ऑर्गन फॉर्म नहीं हुए तो उसकी हमारे पास अलग सज़ा है, और अगर ऑर्गन फॉर्म हो गए तो फिर उसकी अलग सज़ा है, उसकी ज़्यादा सज़ा होगी। ठीक है, उसकी अबॉर्शन करने की वगैरह जो भी, तो ये हमारे पास अलग दो सेंटेंसेस होते हैं। तो फिर इस पर आपका एज एस्टिमेशन इज नेसेसरी अबॉर्टेड मटेरियल की, ताकि सही सेंटेंस सही बंदे को लगे। ठीक है, तो फिर अब हम कैसे मालूम कर सकते हैं अबॉर्टेड मटेरियल या फिर फीटस की एज। तो हमारे पास तीन क्राइटेरियाज हैं,
नंबर वन जनरल अपियरेंस, नंबर टू लेंथ से हम लोग फाइंड करते हैं, एंड देन नंबर थ्री ऑसिफिकेशन सेंटर्स। ठीक है, अब जनरल अपीयरेंस पर सबसे पहले आते हैं। तो जनरल अपीयरेंस जो है हमारी तीन हिस्सों में डिवाइड होती है, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज, एंड देन फाइनली पोस्ट एम्ब्रियोनिक या फिर फीटल स्टेज। ठीक है, प्री एम्ब्रियोनिक स्टेज इज लाइक वीक वन टू वीक थ्री, उसमें इवन लाइक 1 सेंटीमीटर तक की लेंथ होती है फीटस की, एंड जैसे प्लेसेंट्रल डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें, मेनली प्लेसेंट्रल डेवलपमेंट होती है, जायगोट वाला थोड़ा सा उससे थोड़ी सी अबव जाएगी। ठीक है, तो फिर इतनी ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं हमें नज़र आती, सॉर्ट ऑफ प्लेसेंटा की एक्सटेंशन लग रहा होता है। फिर जब हम 3 वीक्स के आगे 4 वीक में आ रहे हैं, 8th वीक तक जा रहे हैं, तो ये हमें मालूम है दिस इज द पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक पीरियड है ये। तो इसमें जो लेंथ होती है दैट्स 2 to 4 सेंटीमीटर तक लेंथ हो जाती है। इसके अलावा हमें फेरेंजियल आर्चेस नज़र आना शुरू हो जाती हैं, लिम बर्ड्स हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ऑर्गन डेवलपमेंट भी हमें दिखने को मिलती है। फिर हमारे पास फीटल पीरियड आता है, फीटल पीरियड इज 9 वीक ऑनवर्ड्स, उसमें हमें 5th मंथ ऑनवर्ड्स में हमें हेयर नज़र आना शुरू हो जाते हैं, स्कैल्प के भी हेयर्स, आईब्रोज वगैरह भी। उसके अलावा 7th मंथ में हमें नेल्स वगैरह नज़र आना शुरू हो जाएंगे, सही है। तो और फिर 9th मंथ में फुल फ्लेज फीटस की जो शक्ल है वो हमें नज़र आना आराम से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ दी जनरल अपियरेंस। फिर आते हैं लेंथ पर। लेंथ में हमारे पास दो रूल्स हैं, नंबर वन इज हेसेस रूल, एंड नंबर टू इज मॉरिसन्स रूल। हेसेस रूल बेसिकली दोनों रूल में हम क्या करते हैं, ये पिल्वस पिल्वस फीटस है, ये इसका हेड है और ये इसका टो है, हेड क्राउन टो हील। तो क्राउन टू हील लेंथ लेते हैं हम लोग, और फिर उससे हम लोग एज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एसेस रूल कहता है कि अगर बिलो 5 मंथ है एज, तो अंडर रूट करो क्राउन टू हील लेंथ का, दैट विल बी द एज इन वीक्स। तो बिलफर तक क्राउन टू हील लेंथ इज समवेयर अराउंड 16 सेंटीमीटर, तो एज इन वीक्स विल प्रॉबेबली बी अराउंड 4 वीक्स के अराउंड होगी। ठीक है, तो ऐसे करके आपका होता है। फिर आपका आता है मॉरिसन्स रूल्स, दैट इज अबव 5 मंथ्स। ये कहता है कि क्राउन टू हील लेंथ लो डिवाइडेड बाय 5, दैट इज द एज इन मंथ्स। ठीक है, तो सवाल आ सकता है ऐसे ही, क्राउन टू हील लेंथ ये है, बताओ कितनी एज है, सही है। तो ये आ गया आपका लेंथ से एज पता करना, एंड देन फाइनली ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर में ये होता है कि सर्टेन बोन का ऑसिफिकेशन सेंटर सर्टेन एज पर आता है, जैसे आई थिंक क्लेविकल का 6 वीक में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये सारे के सारे हमारे पास ऑसिफिकेशन सेंटर डिफरेंट डिफरेंट एजेस पे आते हैं। ये फिर मैं वीडियो यहाँ पे कट करूँगा, एंड देन देयर विल बी जो बोन के ऑसिफिकेशन सेंटर्स हैं उसके एज के हिसाब से।